वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ब्लॉग फूड एंड ब्यूटी में। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सोनिया और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बात करते हैं जो मैं शूट फिल्म कर रही हूँ उसके बारे में। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है अहमदाबाद का, ठीक है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी ये रास्ते का ब्लॉग, मतलब रास्ते से मैं शूट कर रही थी, मैं मतलब इंट्रोड्यूस करना भूल गई थी क्योंकि मुझे आदत नहीं है। एक्चुअल मैं बहुत मतलब थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी, थोड़ा सा घबरा भी रही थी, थोड़ा सा मतलब शाय भी हो रही थी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, माई सिचुएशन। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम जा रहे हैं अहमदाबाद से गिर जनरल। एक्चुअली हमें गिर जनरल सफारी लेनी है, तो हम गिर जनरल की तरफ जा रहे हैं। वहाँ हमने रिजॉर्ट बुक कर रखा है, तो ये अभी ऑन द वे मैं शूट कर रही हूँ। ये मेरे जीजाजी हैं, हम अपनी ओन कार में हैं। मैं अपनी दीदी जीजाजी के साथ हूँ, उनके दो बच्चे भी हैं साथ में, दोनों बच्चे भी साथ में हैं, सॉरी। तो या आई एम रियली रियली एक्साइटेड और होपफुली ये मतलब होप था कि हाँ इस बार तो शेर देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये मेरी सेकेंड जंगल सफारी है। फर्स्ट जंगल सफारी मैंने जिम कॉर्बेट की थी, वो मैंने सर्दियों में की थी, आई थिंक दिसंबर में, लास्ट दिसंबर। वहाँ एक भी मतलब सिर्फ डियर के अलावा, डियर और एलिफेंट, इनके अलावा कोई भी एनिमल नहीं दिखा था, कुछ भी नहीं दिखा था। शेर का इतना वेट किया, शेर, टाइगर, लायन टाइगर, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा था। मुझे बहुत 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 ज़्यादा मन था कि मतलब लायन दिखे या टाइगर दिखे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और तो और मैं तो गाना भी गा रही थी, एक बार जल्द निकला जा, इट्स फनी। पर मैं रियली रियली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर नहीं दिखा। तो इस जंगल सफारी पे मैं होप करके गई थी कि शायद शेर दिख जाए। अच्छा हाँ, वो जंगल सफारी हमारी दिन की थी, दिन के 2 बजे की थी, और ये जंगल सफारी हमारी मॉर्निंग की थी। तो मॉर्निंग में हाई चांसेस रहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स दिखेंगे, तो इसलिए फिंगर क्रॉस करके हम लोग गए। तो देखते हैं अब हमें शेर दिखता है नहीं दिखता। तो ये हम अपने रिसॉर्ट पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत है। यहाँ मैंगोस की ट्री बहुत है, कच्चे आम ही बहुत लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रिटी सा रिसॉर्ट था, बहुत ही मतलब शांत, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जाके। ये मेरी दीदी है, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, और यहाँ ये झूले पड़े हुए हैं एकदम ट्रेडिशनल लुक में, आप देख सकते हैं। और ये उनका बेटा है और हमारा रूम नंबर, आई थिंक, देखिए आमी लटकी हुई है, ये कच्ची आमी लटकी हुई है। अभी पकने में इनको टाइम लगेगा, हमने पूछा था कितना टाइम लगेगा पकने में, तो कम से कम हार्डली उसने बोला था कि 15 दिन में ही रेडी हो जाएंगे। हमारा रूम शायद यही है, शायद कन्फर्म नहीं है क्योंकि हमारा रूम नंबर 4 था। नहीं, शायद ये नहीं है क्योंकि हमारे रूम के बगल से ही बहुत सारे वो थे टॉयज बच्चों के लिए, तो शायद ये नहीं है। अभी देखते हैं कौन सा रूम हो रहा हमारा। ये सामान लेके जा रहा है हमारा, ये वाला रूम है हमारा। ये देखिए, आप देखिए रूम के बगल से ही टॉयज हैं, सेम सा देखिए। बच्चों को तो बहुत ही मजे आ गए थे यहाँ पर। तो ये है हमारा रूम, देख सकते हैं रूम भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ही पीसफुल सी जगह थी, ये बहुत ही प्यारी सी जगह थी। रूम भी काफी क्वाइट इम्प्रेसिव था। तो मेरी दीदी सीधे वॉशरूम में गई। ये मेरी दीदी की बेटी है डॉल, इसका नाम राजी है, और ये हमारा सारा लगेज है। तो ये बाहर का नज़ारा है,
बहुत ज्यादा मजा आया, कोई नहीं दिख रहा था, सारे लिख रहे हैं बाहर एकदम, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही मतलब ये ट्रिप बहुत ही अमेजिंग सी रही है हमारी, तो मुझे मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बहुत ही प्यारी सी जगह थी ये और बहुत मज़ा आया, और मैं मतलब इस पूरे वीडियो में फेस नहीं दिखा पाई थी, आई एम रियली सॉरी। ये देखिए हमारे रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल है, लेकिन अभी मेरा फेस देखने को मिलेगा, ये दोनों बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, ये बच्चों का एरिया है, ये बड़ों का एरिया है, इसमें दो पार्टीशन है, डिवाइड कर रखा है दो पार्टीशन में, जो बड़ा ज़्यादा वाला एरिया है वो बड़ों का है, ये कम वाला एरिया है बच्चों का है, ये ज़्यादा इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं है ये। देखिए ये दोनों बच्चों को स्विम करने का बहुत शौक है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, देखिए कितना फन कर रहे हैं, तो ये शूट करने का नहीं था लेकिन अचानक से माइंड में आया कि मैं शूट कर लेती हूँ, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये आंटी हैं, ये आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हमें इनका खाना बहुत अच्छा लगा, ये हमें ले जा रही हैं यहाँ, जिस रात हम जैसे हम 20 मतलब जिस हमारे आने से हमारे रिजॉर्ट में आने से पहले एक रात पहले ही शेर ने हिरण का शिकार किया था, ये आंटी हमें वहीं दिखाने लेके जा रही है, वहाँ मतलब मरा हुआ पड़ा हुआ है वो हिरण, तो किसी ने वीडियो नहीं, मुझे तो नहीं देखने को लगा, ना मैं गई ना मेरी दीदी गई, आंटी मेरा फोन ले गई, वो वीडियो शूट करके लेकर आई, क्योंकि मुझे बहुत हेजिटेट मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, मैं नहीं देख पाती, कहीं मुझे वॉमिट वगैरह नहीं हो जाती है, आंटी अभी जाएंगी, मैंने आंटी से रिक्वेस्ट की, आंटी प्लीज़ आप लेके जाइए और मेरा वीडियो शूट करके लाइए, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है, तो आंटी बहुत अच्छी थी और खाना तो इतना अमेजिंग, इतना टेस्टी बनाती थी, बहुत टेस्टी बनाया इन्होंने। और हाँ, अहमदाबाद में कहीं खाना अच्छा नहीं मिलता, आंटी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत टेस्टी खाना था, ये आंटी लेके जा रही हैं अभी, अभी आप लोग देखिएगा कि ये हिरन बेचारा यहाँ मरा हुआ और शेर इसको खा चुका है अच्छे तरीके से, इसके सींग देखना, इसके सींग अभी बचे हुए हैं, ये देखिए, देख सकते हैं आप, आधा आधे से भी ज्यादा शेर इसको खा चुके हैं, तो इसके आसपास मंडरा रहे थे, तो कुछ इस मुझे नहीं, मैं नहीं जा पाई, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैंने आंटी को भेजा, मुझे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं ओवर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो भी मैं नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं देख सकती, तो आंटी फिर लेके घूमी और इन्होंने हमारी तरफ कैमरा कर दिया, ये मैं और मेरी दीदी खड़ी हुई है, आंटी बहुत ज्यादा मस्ती छोड़ती, तो आंटी बोली कि हम आप लोगों का भी वीडियो बनाएंगे, मैंने कहा ठीक है, तो फिर हम अब चल दिए, तो यहाँ पे मतलब मैंने फिर वापसी से जूम कर करके वीडियो बनाई थी, देखा था ये बैगन धोने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा रात का डिनर था बैगन का भरता और दाल चावल रोटी, और हाँ घी एकदम प्योर देसी, मतलब जो प्योर देसी घी था, गाय का घी था, घी मतलब एकदम ही प्योर खाना था, घी में सब्जी बनती थी, घी में सारी चीज़ें, जैसे हमें नाश्ता वगैरह सब घी में मिलता था। और ये इसके नेक्स्ट डे की है, हम जब जंगल सफारी पे जा रहे हैं, ये हम अपनी सफारी में बैठ चुके हैं, ये हमारी ओपन जीप है, ये मेरे जीजा जी दीदी, ये मेरी दीदी के दोनों बच्चे, हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी, ये दोनों एक गाय एक ड्राइवर हमारे साथ था, बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया, देखते हैं आप क्या क्या मिलता है हमें रास्ते में, आपको बताती जाऊंगी। तो हम अंदर जंगल में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं, देखिए कितने सारे डियर हैं यहाँ, तो मतलब जिम कॉर्बेट में तो गिनती के एक दो डियर देखने को मिले, यहाँ तो इतने सारे, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर बाद इतने सारे डियर देखने को मिल रहे थे, कितने सारे मतलब बहुत सारे थे, एक साथ ही 12-15 डियर खड़े हुए थे यहाँ पर,
देखिए मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शूट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं वीडियो बना पाऊँ, लेकिन गाड़ी चल रही थी एकदम तेज, क्योंकि ड्राइवर अंकल भैया जो थे वो बोल रहे थे कि शेर मतलब बताया हो रहा हूँ ना तुमको कि शेर आगे मिल जाएगा जल्दी से जल्दी, तो इसलिए वो तेज तेज ड्राइव कर रहे थे ताकि हमें शेर देखने को मिल जाए। ये देखिए कितने सारे डियर हैं, देखिए मतलब सो मच डियर, हमें मोर भी देखने को, और तो और बताए मोर नाचते हुए भी मिले, ये देखिए। तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ, हमें शेर देखने को मिल गए। लुक एट दिस, हाउ क्यूट, मतलब दिल ना गार्डन गार्डन हो रहा था शेरों को देखकर। और एक शेर नहीं था, 4 फीमेल थी और 3 मेल थे, और जिसमें से एक थी ये लाइनस है, ये बड़ी है, ये मम्मी है उन 6 बच्चों की, जो 3 मेल और 3 फीमेल थे, ये उन सब की मम्मी है। और इसके पैर में ना चोट लग गई थी थोड़ी सी, ये देखिए। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ये मेरे बगल में आता जा रहा था, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना ऐसे कि मेरे बिल्कुल बगल में, मुझे इतना मतलब ऐसा लग रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि नीचे उतरूं और शेर को 2-4 किसी दे दूं। इतना खूबसूरत, इतना प्रिटी लायन, सीरियसली मतलब मूड ना एकदम फ्रेश हो गया, जो सुबह सुबह उठे थे जो थकान थी वो सब कुछ उतर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस ये शेर देखते रहे हम लोग देखते रहे, यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था, मतलब वो गाना याद आ रहा था अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी खड़ा नहीं, सीरियसली सीरियसली मतलब इतने सारे लाइन था अभी दिखाऊंगी, देखिए ये एक वहाँ पर एक चेहरा, मज़े आ रहे थे, हमने इतने सारे वीडियोस बनाई, इतने सारे फ़ोटो क्लिक किए, बहुत सारी वीडियोस बनाई हमने, बहुत सारी, क्योंकि ये तो मतलब मेमोरेबल मोमेंट था। देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं ये शेर, ये एक के ऊपर एक बैठा हुआ है एक के ऊपर एक है ये शेर, मस्ती कर रहे थे ये बच्चे थे मतलब दोनों शेर नहीं, बहुत मज़ा, मतलब माइंड ब्लोइंग मोमेंट था वो, बहुत मज़ा आ गया। बहुत सारी जीप थी, मतलब कुछ लकी लोग थे जिनको लाइन देखने को मिला हमारे बाद, बहुत सारे लोग रहे वो बहुत अनलक्की रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि शेर देखना मतलब एक तो मतलब जू में से शेर को देखना और एक ऐसे जंगल में शेर को देखना, ये देखिए मैंने क्लोजअप लुक लिया है कितना प्रिटी लग रहा है ना, एक तो हाँ मैं क्या बोल रही थी, एक तो जू में शेर को देखना और एक ऐसे जंगल में शेर को देखना, दोनों की अलग फीलिंग है। ये तो कहते ना शेर अपने मन का राजा होता है, ये सच बात है, अपनी मर्जी से ही दिखता है, फिर भी हमें शेर नहीं मिला बड़ा वाला, शेर नहीं मिली और उसके बच्चे मिले। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए थे सारे शेर और शेरनिया, ये देखिए आप लोग कितने प्रिटी है ना, कितनी क्यूट है ना, बहुत ज्यादा प्रिटी, मुझे बहुत क्यूट लगे भाई, मैं तो ऐसे चुम्मी कर, आई मीन मैं फ्लैंकिस दे रही थी बार बार पे, तो मैं तो दीदी से बोल रही, दीदी मैं यही रुक जाती हूँ इनके पास, इनके आप लोग जाओ सच में एकदम मूड फ्रेश हो गया, देखिए कितने क्यूट है ये, जाने का ही दिल नहीं कर रहा था, सब लोग पागल हो रहे थे, पिक्स ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे सारे के सारे, यहाँ पे जितने भी लोग थे मतलब 4-5 जीप खड़ी हुई थी, जिन लोगों के नसीब में था उन लोगों ने देखा, और ये मेरी सेकंड जंगल सफारी थी और मैं इतनी लकी रही कि मुझे सेकंड टाइम में ही देखने को मिल गया, क्योंकि मेरी दीदी कम से कम 5 बार जा चुकी है और मेरे जीजाजी ने भी कम से कम 8-9 बार जंगल सफारी कर चुकी है, पर किसी ने भी शेर को नहीं देखा, और ये मेरी सेकंड जंगल सफारी थी और मैंने शेर देख लिए, वो भी इतने सारे शेर और शेरनी देखिए, सारे लोग हैं और मतलब सब लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, जो मॉर्निंग वाली जितनी भी जंगल सफारी थी ना उनमें से मतलब ये 4-5 ही जो जीप थी वही लोग लकी रहे, वही लोगों ने देखा, बाकी सब लोग बेचारे अनलकी रहे जो हमारे बाद गए होंगे उनको कुछ देखने को नहीं मिला। वैसे भी मॉर्निंग टाइम ना बहुत हाई चांसेस रहते हैं कि आपको लाइन देखने को मिल जाएगा, तो अब हम लोग वहाँ से चल दिए थे,
चलने के बाद यहाँ मोर, ये देखिए पंख फैलाए हुए रास्ते में मोर खड़ा है, ये जो डांस कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हो ये देखिए कितना प्रिटी लग रहा था ना ये पिकॉक, सच में बहुत प्रिटी लग रहा था, बहुत बड़ा पिकॉक था, इसने अपने पंख ऐसे फैला लिए थे अभी। लेकिन ना मतलब जैसे जैसे पास जाते हैं तो ये लोग डर जाते हैं, तो इसलिए इसने मतलब डांस करना, अपने पंख फैलाना बंद कर दिए थे। और मैं ये ऐसे कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, गाड़ी चल रही है, दैट्स वाई मतलब ज़्यादा ब्लड कर रहा है ये, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। और हाँ, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ये देखिए अब हम अपने रिजॉर्ट में वापस पहुँच गए थे, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने पिक्स डाले। तो अब हम सोमनाथ मंदिर के लिए निकले थे उसी दिन जिस दिन हमने जंगल सफारी करी थी। हम सोमनाथ मंदिर पहुंच गए थे, वहां से गिर जंगल से जहां हम रिजॉर्ट में रुके थे वहां से तब करीब करीब 2 घंटे की दूरी पर था सोमनाथ मंदिर, ठीक है। तो हम सोमनाथ मंदिर में पहुंच गए थे, पर अनफॉर्चुनेटली वहां मोबाइल लेना ले जाना अलाउड नहीं था। ये मेरी दीदी हैं जो आगे चल रही हैं, मेरे जीजा जी गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं, हम लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं। पार्किंग एरिया है मंदिर का अपोजिट साइड में, और यहाँ पे साथ जितने भी मतलब व्हीकल, अपने ओन व्हीकल से थे या जो भी, यहाँ पे सर मतलब पार्किंग का एरिया था, ये काफ़ी बड़ी पार्किंग थी। लेकिन मुझे अफसोस रहा कि मैं अंदर की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, वरना मेरे प्लान तो बहुत सारे थे। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ अंदर तक भी नहीं ले जा पाए, मंदिर के अंदर तो ठीक है नहीं ले जाने दिया, लेकिन जो मंदिर की जो एंट्री थी वहाँ से ही मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। मतलब मंदिर तो अंदर जाके था, जो मंदिर का मेन गेट था वहाँ से जो एंट्री थी वहाँ से भी मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। बहुत सारी मतलब बहुत मन था मैं वीडियो सीता है बनाऊंगी, ना, मैं रील्स बनाऊंगी ये है इंस्टाग्राम सामने रील्स महादेव जी के साथ, श्री तो वो मैं सोमनाथ नहीं कर मंदिर का पाई। लिखा हुआ ये देखिए ये मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है, ये फ्रंट एरिया, लेकिन श्रीमन हमें नारायण लक्ष्मी राइट साइड में जाना था, राइट हैंड की तरफ इधर चलना है, वही तो रागी पकड़ तो लो, रागी मेरे जीजा जी भी आ रागी चुके हैं, हम लोग चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं मंदिर के अंदर का वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन हाँ, बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी, तो मंदिर में नंगे पैर चलना पड़ रहा था बिना चप्पलों के, तो पैर ऐसे जल गए थे ना, वो कारपेट, ग्रीन ग्रास वाला कारपेट बिछाया हुआ था जिस पर पानी डाल रखा था, मतलब पानी चल रहा था, तो जिसकी वजह से ना पैर मतलब थोड़े शांत रहे, पैरों में इतनी जल वो नहीं हुई, मतलब नहीं जले। लेकिन जिस जिस एरिया पर वो ग्रीन कारपेट नहीं था, ग्रीन ग्रास वाला कारपेट नहीं था ना, वहाँ से मतलब पैर तो बस अगर 1 सेकेंड से ज़्यादा अगर आप वहाँ अपने पैर रखोगे ना तो मतलब जल जाएंगे आपके पैर, सच में जल के आग बब्बू मतलब जल बन के राउट हो जाएंगे, इतनी तेज गर्मी थी सच में। मैं ये देखिए मंदिर आ अपना चुका है, सामने मंदिर है। लेकिन मुझे सच में पर्स मुझे लिया था बहुत ना, ज्यादा लिया था, अफसोस रहा कि गाड़ी मैं में मंदिर रखा है के ना अंदर का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि पता नहीं अब दोबारा नेक्स्ट टाइम भी तो अचानक से प्लान बना सोमनाथ मंदिर जाने का, ऐसा कोई प्लान नहीं था, और ये भी नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम भगवान जी हमें कब बुलाएंगे, महाकाल जी हमें कब बुलाएंगे। तो ये सारी शॉप्स हैं ये देखिए, क्योंकि यहाँ समुद्र है ना, मंदिर के पीछे ही समुद्र है, तो मैं जिस उसका भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, फ़ोन पहले ही सामान घर में रख दिया गया था। देखिए सारे टॉयज की शॉप है, ये पर्स, यहाँ सी शेल्स हैं, ये जो समुद्री एरिया होते हैं ना वहाँ शेल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको पता ही होगा। मिरर थे, बहुत सुंदर सुंदर मिरर थे जो हैंडमेड थे, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। चलो मेरा बब्बू, हमने यहाँ पर फोटो भी क्लिक करवाए थे जो इंस्टेंट मिलते हैं 10 मिनट्स में, हमने 3 फोटो क्लिक करवाए थे। ये फोटो वाला है जो जिया जी के साथ है,
जब से मैं बार्गेनिंग कर रही थी मजे आ रहे थे बार्गेनिंग करने में. यू नो ना बार्गेनिंग करने में कितने मजे आते हैं, मुझे तो बहुत मजे आते हैं. ये हमारे लौटने के